फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 24 अगस्त 2021 और यूपी पैट का एग्ज़ाम हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सुमित कौर और मिस्टर मोनू तिवारी। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, उसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी सर, मेरा नाम सुमित कुमार है। जी, आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? सर मैंने 93 अटेम्प्ट किए हैं। 93 क्वेश्चंस। आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हो सकता है? सर मेरे कांटे विधि मान लीजिए लगभग मैं 75+ रहेगा। 75+, मतलब आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं। जी, आपका हो सकता है इसमें। हाँ। जी आप बता सकते हैं आपका कितना हुआ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, कितना किए हैं आप? मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से आपके जो है मैं अगर देखूँ तो मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस गलत हैं, जो कि मैंने बाद में एनालाइज किया आके। तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, रिजल्ट आने के बाद ही ज़्यादा बेटर संभावना। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल जो था वो मीडियम लेवल का पेपर था। आप कह सकते हैं जीके इतनी टफ नहीं थी, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और मैथ भी उतनी हाई नहीं थी, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग आए थे या कुछ बाहर से भी आए थे? क्वेश्चन बाहर से भी आए थे, सिलेबस के बाहर से भी आए। आउट ऑफ सिलेबस? यस यस। तो कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं, उनका आंसर भी आप बता सकते हैं मिस्टर सुमित कुमार? जी सर। जीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप? जी, स्टार्ट कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ सर, पहला आया था कि ये शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद से है। जी, पहले ये था। इसके बाद अल्पसंख्यक का अधिकार कौन सा अनुच्छेद से है? पहले शिक्षा का अधिकार जो था अनुच्छेद 21 का ए में था, और अल्पसंख्यक का अधिकार अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद था कि संविधान की प्रस्ताव जो उद्देश्य का है किससे लिया गया, किसने बनाया है, ऐसे ही था कोई, तो उसको इसका आंसर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्या था, अजंता की गुफाएं। गुफाएं ये इसको ये औरंगाबाद से महाराष्ट्र में। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए ये हो गया। हाँ, और ये था कि ऐसा था कि हाँ कि कोविड क्या जो सबसे पहला कौन सा देश है जो कोविड से मुक्त हुआ है, इसका आंसर है घना। घना। और सर मैं दिखा हुआ हूँ, दिखा सकता हूँ। जी आप बता सकते हैं। सर एक था ओणम त्यौहार किस राज्य से मनाया जाता है, ये था सर मेरे ख्याल तमिलनाडु था। राइट आंसर है। और ये और एक था सर कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, इसका आंसर है कल्पना चावला। जी सर, इस एक और था कि एक और था, हाँ ये था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या थे, इसका आंसर था वारिंग हेस्टिंग थे। मैं लगाया हूँ अब जो देखते हैं। एक सर आया था जियोग्राफी भी सर, बसंत ऋतु कौन से डे में, मतलब कौन से डे में है। हाँ, दे, तो दे, उसका दे, था सर 21 मार्च है उसका आंसर। और था सर, हाँ एक और था साइंस में, संतरे में कौन सी विटामिन होती है, इसका विटामिन सी रहती होती है। जी बिल्कुल करेक्ट। और सर एक हाँ ये एक और था कि नारे से एक आया था, करो या मारो का नारा किसने दिया था, इसको महात्मा गांधी जी ने दिया था। और सर हाँ एक था कि नेपाल से कितनी देर ने, हाँ सर नेपाल से कितने इंडिया की सीमाएँ, मतलब कितने राज्य की सीमाएँ होती हैं, तो इसमें 5 आंसर थे मेरे ख्याल से। 5 राज्य। हाँ सर यही लगाया हूँ। हाँ एक और था कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सर इसमें मैंने बुध लगाया हूँ। हाँ सर, और हाँ एक ये था कि नोबेल प्राइज पाने वाले पहले पहले भारतीय कौन है, तो उन पर मेरे ख्याल से मैं लगाया हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर। और सर हाँ, और इसमें हाँ और मान लो करंट अफेयर्स भी थे, करंट अफेयर्स से था, स्पोर्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से था, लेकिन सीईओ पूछा था सर। सर सीईओ ये था कि ये वीवो को सीईओ इस समय प्रेजेंट टाइम पे कौन है। रीजनिंग के क्वेश्चंस कहते थे। हाँ सर, रीजनिंग के क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया था, कोडिंग डिकोडिंग भी आया था, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन हो गया है। इसके बाद ले लीजिए आप, हाँ सर हिंदी में कैसे प्रश्न आए थे। हाँ हिंदी में ठीक ठाक थे। गद्यांश पद्यांश के, हाँ गद्यांश पद्यांश मान लीजिए थे। इसके बाद था, हाँ ये कह सकते हैं कि इसमें एक था सर थोड़ा पर्यायवाची वगैरह उसमें पूछे गए थे। विश्व हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया था, जो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया। करो या मरो का नारा भी पूछा गया था, किसका है? करो या मरो का नारा जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा दिया। मैथ के क्वेश्चन आप बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन थे? मैथ के क्वेश्चन बेसिकली तो इतने ईजी नहीं थे, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा हाई थी। सर मैं बता सकता हूँ मैथ के क्वेश्चन कैसे थे। सर एक क्वेश्चन था अंडर रूट एक्स बाई 196 बराबर 72/56 था, इसको कैलकुलेट करना था कि इसका आंसर आ रहा था 324 आ रहा था। और एक था सर कह सकते हैं, हाँ एक था परसेंटेज भी था, एक
एकदम मान लीजिए सिलेबस में जितना दिया हुआ था वही सिलेबस पे ही था, पांच क्वेश्चन सिलेबस में, तो मान लीजिए अर्थमेटिक्स सर पांच थे, उसके बाद क्वेश्चन ग्राफ भी थे क्वेश्चन पे, ठीक है इंग्लिश का पैसेज वगैरह कैसे आया, हाँ इंग्लिश पैसेज भी ठीक ठाक थे, इजी थे, मान लो जो लड़के अच्छा मान लो हल्का फुल्का पढ़ लिया होगा उसका हो जाएगा, क्योंकि जो है अच्छे था इंग्लिश अच्छे थे पैसे भी अच्छे थे, जो लड़का मान पढ़ा होगा उसके लिए ठीक ठाक था, अब पेपर का सिलेबस ठीक ठाक था, जो लड़का अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा और सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा होगा वो एकदम कर लेगा अच्छे से, मुझे लगता है कि फिर क्वालिफाई कर सकता है सिलेबस के साथ दिक्कत दिया था। आपके अनुमान के हिसाब से इसकी कितनी कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है, फिर भी 70, 80, 60 कितनी जा सकती है, हमें फिलहाल मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे अंजार से मैं अपनी उम्मीद जता रहा हूँ, कोई मुझे परफेक्ट नहीं बता सकता, मुझे लगता है कि मैं अपने यहाँ पे जहाँ था मैं स्कूल के सेंटर के हिसाब से मैंने देखा समझा लोगों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वहाँ पे सेंटर पे, लड़कों ने कोई 75 क्वेश्चन किए, कोई 76 किए, कोई 80 किया, कोई 85 किया, ऐसे किया, मुझे लग रहा है कि अबव में उम्मीदन कि 70+ जाने की उम्मीद है, अब देखते हैं किस तरह से। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है तो वैसे देखा जाता है, जी सर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम देखने के बाद एकदम मान लीजिए कैलकुलेट करके बताया, इसकी आंसर की आप बता सकते हैं कब तक आ सकती है, सर ये बता सकते हो इसकी आंसर की नहीं, इसका 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, तो उसका मान लो अपलोड पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सुमित कुमार, थैंक यू मिस्टर मोनु तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते हैं सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने के बाद उसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थैंक यू।